होते हैं या सुदूर स्थानों में होते हैं, जिससे समाज में इनका मेल जोल कम हो पाता है, आम जनजीवन में कम डर पाते हैं और इनका अपना एक उसी तरीके से दिनचर्या इनका जीवन वैसे ही ढला होता है। और क्योंकि शिव के साधक होते हैं, सूर्य के साधक होते हैं, बहुत कठोर तपस्या का मामला है, इस वजह से आम जनता इनको लेकर के बहुत ज्यादा भ्रमित रहती है कि अगर कहीं ये गुस्से में आ जाएंगे तो ये श्राप दे देंगे, जिससे ऐसा हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। और इनका जो तीसरा नेत्र, जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं, तो उससे इनका सीधा संबंध होता है। जब इनको गुस्सा आता है, क्योंकि इनकी जो तपस्या का क्रम होता है वो भगवान शिव के काफी करीब माने जाते हैं, काफी निकट माने जाते हैं, तो इनके गुस्सा होने से किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि अगर ये नाराज हो गए, ये गुस्सा हो गए, तो भगवान शिव हमारे ऊपर नाराज हो सकते हैं और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल सकता है, जो एक प्रलय का कारण हो सकता है। कई लोग तो कारण और भी है, कई लोग तो इतना करते हैं, वही पूछ रहा हूँ आपसे कि सामने नहीं जाते हैं, लगता है कि सामने आते हैं, रास्ते खाली कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, अंतर्मुखी तदासुखी, हम ये लोग अंतर्मुखी होते हैं, हम लोग बाहर मुखी है, हम देखते हैं बाहर की चकाचौंध, हम लगाते हैं क्रीम पाउडर, बालों में तेल लगाते हैं, ये हम